Hi students, welcome back to my YouTube channel. This is Shivani from Startup English Classes. You are most welcome to this platform. How are you all? Hopefully you all would be good. तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. लेकिन आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप में से अभी कोई नया है हमारे चैनल पर, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे. और अगर अभी आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें ताकि आज की क्लास आपको बेहतर तरीके से बेहतर तरीके से आपको समझ में आए. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस कैसे होते हैं, कैसे हम ये जान पाते हैं कि हमारा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, किसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, इन सभी चीज को हम डीपली स्टडी करने वाले हैं. तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज नोन एज पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और एज पास्ट इम्परफेक्ट टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं. अब आपको प्रेजेंट टाइम टर्न हो रहा है कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को ना बोलकर हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं. तो कहीं आपके सामने कोई पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस बोले या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोले तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि ये टेंस तो हमने सुना ही नहीं है या ये टेंस हम जानते ही नहीं है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस ही कहते हैं, यानी ये इसी का नाम है. अब बात आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है. तो हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज बताते हैं. जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए और वाक्य से भूतकाल में कार्य के लगातार होने का बोध हो, वहां हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. मीन्स जो हमारा सेंटेंस होगा उसकी एंडिंग रहा था, रही थी, रहे थे से होगी और पास्ट में वर्क के कंटिन्यू होने का बोध हो रहा होगा, वहां पर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे. एज बारिश हो रही थी, बच्चे बारिश में भीग रहे थे, संगीतकार संगीत नहीं बजा रहा था. तो ये सभी सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं. क्यों? क्योंकि सभी सेंटेंसेस की एंडिंग रहा था, रही थी, रहे थे से हो रही है. एज मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं. वह मुझे डांट रही थी, शिकारी शेर का शिकार नहीं कर रहा था, क्या लोग कुआं से पानी निकाल रहे थे, बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे, मैं कल इस समय अपना काम पूरा कर रही थी, श्याम राधा का इंतजार क्यों कर रहा था. जो एग्जांपल्स आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं ये सभी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं, क्योंकि देख सकते हैं आप सभी की एंडिंग रहा था, रही थी, रहे थे से हो रही है. अब बात आती है इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की. तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, हमारे पास 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए. अफर्मेटिव, निगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और मेन इंट्रोगेटिव. जैसा हमारा सेंटेंस होता है हम वो स्ट्रक्चर यूज करते हैं. अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव है तो हम निगेटिव स्ट्रक्चर यूज करेंगे. अगर हमारा सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है तो हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यूज करेंगे. मीन्स हमारा स्ट्रक्चर कौन सा यूज होगा, हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ये हमारे सेंटेंस पर डिपेंड करता है. तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, वह आ रही थी, बारिश हो रही थी, तो हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वाज और वर अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट प्लस वर्ब एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इफ अवर सेंटेंस इज निगेटिव एज बारिश नहीं हो रही थी, बच्चे नहीं खेल रहे थे, देन फर्स्ट सब्जेक्ट, देन वाज और वर अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट, देन नॉट, वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इफ अवर सेंटेंस इज फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एज क्या वे दिल्ली जा रहे थे, क्या माता जी नाश्ता बना रही थी, देन फर्स्ट वाज और वर अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट, नॉट फॉर निगेटिव, वर्ब एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इफ अवर सेंटेंस इज मेन इंट्रोगेटिव
तुम क्या कर रहे थे, वह क्यों रो रही थी, देन फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड, देन वाज और वर अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट नॉट फॉर नहीं, वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब प्लस नॉट वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वाज और वर्ब सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड वाज और वर्ब प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. What is the use of was and were? हम कहां पर was और कहां पर were का यूज करते हैं? He, she, it, I and singular subject. अगर हमारा सब्जेक्ट ही होगा, सी होगा, इट होगा या आई होगा या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब एक वचन का सब्जेक्ट, तो हम वहां पर was का यूज करते हैं. You, we, they and plural subject. अगर हमारा subject you हो, we हो, they हो या फिर कोई plural subject means बहुवचन means more than one, तो हम वहां पर were का use करते हैं. तो guys मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि आप use और structures और कहाँ पर हम was were का use करते हैं अच्छी तरीके से समझ गए होंगे. तो चलिए translate करते हैं हम लोग. फर्स्ट सेंटेंस है वह मुझे डांट रही थी. अफर्मेटिव सेंटेंस. फर्स्ट सब्जेक्ट वह मींस सी. देन वाज और वर सी के अकॉर्डिंग वाज, सी वाज वर्ब आईएनजी फॉर्म डांटना स्कोल्ड, सी वाज स्कोल्डिंग ऑब्जेक्ट मुझे मी, सी वॉज स्कोल्डिंग मी. नेक्स्ट इज शिकारी शेर का शिकार नहीं कर रहा था. शिकारी शेर का शिकार नहीं कर रहा था. सेंटेंस इज निगेटिव तो निगेटिव स्ट्रक्चर यूज होगा. फर्स्ट सब्जेक्ट शिकारी मींस द हंटर. वाज और वर रहा था मींस वन सो वाज. देन नॉट वर्ब आईएनजी फॉर्म हंट, आईएनजी फॉर्म हंटिंग, शेर का हंटिंग द लॉयन. नेक्स्ट इज क्या लोग कुआं से पानी निकाल रहे थे. फर्स्ट वाज और वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. तो पहले हम ये देखें कि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है. तो सब्जेक्ट है लोग, लोग का होता है पीपुल. तो गाइज जो पीपुल होते हैं पब्लिक होते हैं पुलिस होते हैं ये हमेशा प्लुरल होते हैं, यानी ये प्लुरल होते हैं तो इनके साथ प्लुरल की हेल्पिंग वर्ब लगती है. और प्लुरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं. वर पीपुल. The not for negative नहीं आया हुआ है. वर्ब आईएनजी फॉर्म. वर्ब है निकालना. तो आप ये सोचिए कि जब हम कुएं से पानी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, कुएं में रस्सी लगी होती है, हम रस्सी को खींचते हैं और खींचना क्या होता है, ड्रा यूज होता है. तो हम उसी की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, आईएनजी फॉर्म. वर पीपुल पानी दी वॉटर. कहां से है, कुआं से. देन फ्रॉम दी वेल. नेक्स्ट इज बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे. कौन सा, कौन सी मेन इंट्रोगेटिव फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड. विच, विच का रूल है जिसे पूछता है तो खेल विच गेम. बच्चे मींस प्लुरल. वर द चिल्ड्रेन. वर द चिल्ड्रेन खेल रहे थे प्लेइंग. राइट, आर यू गेटिंग मी. नेक्स्ट इज मैं कल इस समय अपना काम पूरा कर रही थी. अफर्मेटिव सेंटेंस. फर्स्ट सब्जेक्ट आई. वाज और वर आई के अकॉर्डिंग वाज. वर्ब आईएनजी फॉर्म काम पूरा करना कंप्लीट. बट हियर इज आईएनजी फॉर्म कंप्लीटिंग. क्या कर रही थी, ऑब्जेक्ट अपना काम. आई वॉज कंप्लीटिंग माई वर्क. कब कर रही थी, कल इस समय. इस समय एट दिस टाइम एंड कल मीन्स यस्टरडे. नेक्स्ट इज
श्याम राधा का इंतजार क्यों कर रहा था? गाइस क्यों है? तो मेन इंट्रोगेटिव देन फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड व्हाई वाज श्याम, व्हाई वाज श्याम, वर्ब आईएनजी फॉर्म वेट बट आईएनजी इज वेटिंग, राधा का. आपको मैंने कई बार बताया है कि वेट वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट दिया होगा, हम जिसका इंतजार कर रहे होंगे, तो वेट वर्ब अपने साथ फॉर प्रीपोजिशन लेती है. तो हम क्या करेंगे, फॉर और किसका है, राधा का, फॉर राधा. तो गाइज दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया होगा. वीडियो के एंड में मैं आपको एक क्विज दूंगी, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा और आप लोग अपने कमेंट में मुझे अपने स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं और आप लोग अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा. तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ताकि जितने भी ऐसे लोग हों, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हों जिन्हें टेंस से डर लगता हो, या जिन्हें टेंस बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, जिनकी कुछ छोटी छोटी टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वो भी अपने डाउट को क्लियर कर सकें. तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे हम कल नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय टू ऑल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.